अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज फिर मौजूद है, बल्कि शुरू से ही मौजूद है हमारे साथ ही हैं मियां आतिफ साहब। मेरे साथ जो है वो दो दिन से बड़ी हेल्प करवा रहे हैं, और जैसा कि आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि बॉक्सेस कैसे लगाने हैं, कब लगाने हैं, तो आज जो है मैं आपको ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो एक ही वीडियो बनाता तो बहुत लंबी हो जानी थी। तो आज जो है वो मैं आपको दिखाऊँगा कि मैंने कैसे पेयरिंग की है। आप दोस्तों ने भी अगर पेयरिंग नहीं की तो पेयरिंग कर लें, अभी टाइम है पेयरिंग करने का, बॉक्स लगाने का टाइम नहीं है। इंशाल्लाह जैसे वेदर बेहतर होगा हम बॉक्स लगाएंगे। और आज जो है वो मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दूंगा। इस वक्त जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फिंचेस जो है, फिंचेस का टाइम अभी है। आप उनको बॉक्स लगाना चाहते हैं, जावा को बॉक्स लगाना चाहते हैं, तो आप जावा को लगा दें। मैंने भी अपनी फिंचेस को बॉक्स लगा दिए हैं, जावा को बॉक्स लगा दिए हैं, क्योंकि वो अभी 10-15 दिन जो है वो नेस्टिंग करने में भी लेगी, फिर वो जो है लेइंग करने में तकरीबन 15-20 दिन या महीना ले सकती है। तो अभी जो है वो लबड़ की भी मैं पेयरिंग कर चुका हूँ, वो भी आपको दिखाता हूँ, और ऊपर जाके एक ओवरव्यू आपको ऊपर का भी दिखाता हूँ कि इस वक्त ऊपर क्या चल रहा है। तो चलिए आते भाई, चलते हैं। आप जो है वो मेरी हेल्प करें कैमरे में पकड़ने में, और इंशाल्लाह जो है वो हम सारा आप दोस्तों को ओवरव्यू दिखाते हैं। चलिए अंदर चलते हैं जी फ्रेंड्स। तो अंदर हम आ चुके हैं, और जैसा कि आपने, आपको पता है कि मैंने नए केजेस बनवाए थे लवबर्ड्स के, और इसमें जो है वो मैंने पॉट्स लगा दिए हैं। सॉफ्ट फूड भी मैंने अभी डालना नहीं शुरू किया, तो यहाँ पे जो है ये मैं सॉफ्ट फूड डाला करूँगा। ये पानी का बर्तन है और ये दाने का बर्तन है, और इसी तरह मैंने जो है वो सारे लवबर्ड्स की पेयरिंग कर दी है। अभी जो है, अभी कुछ पेयर्स हैं जो अभी फॉस्टर पेयर थे, उनके भी मैंने पेयरिंग नहीं की। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैं पेयरिंग कर रहा हूँ। तो मैं आपको जो है वो थोड़ा सा बर्ड के बारे में भी बता दूं कि मैंने क्या क्या जो है वो इस वक्त मैं ब्रीड करवाऊंगा इंशाल्लाह इस साल, और थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये रेड कॉलर लोरी है, जो कि मैं पहले ऊपर था फिर नीचे शिफ्ट कर दिया। वह रेड कॉलर है, ये स्वेंसन लोरी है, और एक जो है वो नीचे लोरी का पेयर है। इसके अलावा जितने भी यहाँ पे ब्रीड होंगे सिर्फ लवबर्ड्स ही होंगे। और ये सबसे पहले जो है ये ऊपर की लेन में आपको दिखाता जाऊँ, ऊपर जितने भी लेन है 10 केजीज है, 10 पोर्शन है, सबसे ऊपर वाले हैं। इससे मैंने जो है वो क्रीमिनो टू अल्बाइनो, क्रीमिनो टू क्रीमिनो, और क्रीमिनो टू बैकिनो की पेयरिंग की हुई है। जैसा ये जो है कि मेरा पुराना पेयर है क्रीमिनो टू अल्बाइनो, और ये अगर आप देखें तो क्रीमिनो टू क्रीमिनो है, और ये पेयर देखें तो क्रीमिनो टू बैकिनो है, और इसी तरह आगे जितने भी हैं क्रीमिनो टू अल्बाइनो के सारे मैंने पेयर लगाए हुए हैं। उसकी जो नीचे वाली लेन है उसमें आपको दिखाता चलूँ, इसमें जो है ये जितनी भी यहाँ से आप जो लेन देख रहे हैं एंड तक, वो जो है वो यूविंग की लेन है। इसमें जो है ब्लू यूविंग है इसको, क्योंकि ये ब्लू टू पॉसिबल टू ब्लू टू भी हो सकते हैं, तो इसलिए कैश ब्रीड के लिए इनको मैंने ब्लू फिशरीज दी हुई है। और इसी तरह ये भी है, क्योंकि ये पार ब्लू टू पार ब्लू से निकली हुई है यूविंग के पीस, तो इसीलिए मैंने कैश ब्रीड पर लगाया हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर पार ब्लू टू पार ब्लू टू पार ब्लू है, एक पीस यूविंग का है और एक सिंपल पार ब्लू का है। शायद आपको जो है वो लाइट की वजह से इतना क्लियरली जो है वो नज़र ना आ रहा हो। तो इसी तरह ये जो आप पेयर देख रहे हैं ये मेल जो है पार ब्लू यूविंग स्प्लिट अपलाइन का है, और इसके साथ जो है वो अपलाइन की मैंने फीमेल लगाई हुई है। और इसी तरह पार ब्लू टू पार ब्लू की पेयरिंग है, ये पार ब्लू यूविंग टू पार ब्लू है। ये जितने भी मैंने पेयर लगाए हैं ये यूविंग यूविंग टू सिंपल जो है वो बर्ड लगाए हुए हैं। इसी तरह ये जो आप देखें तो ये भी पार्ली यूविंग है, और इसके साथ भी मैंने प्लाइन की वर्किंग की हुई है। और इसी तरह ये सारे जो आप पेयर देखते जा रहे हैं ये पार्ली यूविंग टू पार ब्लू है। ये जो आप पेयर देख रहे हैं ये रोजी कोली पेल फेलो है, और इसके साथ जो है वो पेल फेलो का स्प्लिट है। साइड से अगर आपको दिखाऊँ तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत साइज में है ये पेल फेलो रोजी कोली में, और ये जो है ये दूसरा पीस जो है ये स्प्लिट पेल फेलो है। और नीचे जितने भी आप देख रहे हैं ये ब्लू यूविंग का पार ब्लू है, और जितने भी इस लेन में जो नीचे वाली लेन है इसमें सिर्फ यही डिफरेंट पेयर है, बाकी जितने भी मैंने लगाए हुए हैं वो अल्बाइनो टू पार ब्लू है, स्प्लिट इनो। ये सारे जो है वो स्प्लिट इनो है क्रीमिनो की वर्किंग के लिए। अभी आप जितने भी देखते जाएंगे वो यहाँ पे वायलेट पार ब्लू टू अल्बाइनो लगाए हुए हैं। ये भी अगर आप देखें तो इसमें भी आपको वायलेट पार ब्लू टू अल्बाइनो ही नज़र आएगा। इसमें आप देखेंगे तो इसमें भी आपको वायलेट पार ब्लू टू अल्बाइनो ही नज़र आएगा। तो इसी तरह ये सारी पेयरिंग की हुई है। इसके अलावा
यहाँ पे थोड़ी लाइट कम है, इसमें भी जो है मैंने जितने भी जो है वो वर्किंग के बर्ड्स लगाए हुए हैं, इंशाल्लाह इसमें भी वर्किंग चल रही है। और मैंने ज़्यादा एक्सपेंसिव बर्ड नहीं लगाए हुए, लेकिन फिर भी जो है अपने शौक के मुताबिक जो है वो मैं कमर्शियल बर्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ, तो मैंने वो सारे कमर्शियल बर्ड लगाए हुए हैं। अभी जो है वो इनकी पेयरिंग करना बाकी है, ये बर्ड जो है ये रेडी है ब्रीड के लिए, मेरे घर की ब्लड लाइन है सारी और माशाल्लाह साइज़ में भी बहुत ज़बरदस्त है, तो ये जो है ये सारे अभी मैंने ब्रीड करवाने हैं। इस साइड पे भी जो है, इस साइड पे भी बर्ड जो है वो भी रेडी है, इंशाल्लाह इनको भी मैं आहिस्ता आहिस्ता कोशिश यही करता हूँ कि जो है वो नेचुरल पेयरिंग करूँ। अभी जो है इनकी भी जो आहिस्ते पेयरिंग हो रही है, कोशिश यही होती है कि जो नेचुरली बॉन्डेड हो जाए वही ज़बरदस्त होते हैं, तो मैं यही करता हूँ कि अल्बाइनो पे कुछ चीज़ छोड़ के, तो उसमें जो है वो फिर एक क्रीमिनो का पीस छोड़ देता हूँ, ताकि अल्बाइनो जो है क्लीन है और एक क्रीमिनो है, जिससे उसका जो दिल आएगा और जो नेचुरली बॉन्डेड होगा वही उसी ब्रीड करता है। तो इसी तरह मैं पेयरिंग करता हूँ, तीन मेल, अगर मेरे पास एक फीमेल क्रीमिनो की है तो तीन मेल अल्बाइनो को छोड़ रही है, जो उसके साथ सेटिंग होगी वो इंशाल्लाह पेयर पकड़ के तो मैं केज में लगा दूँगा। तो इसी तरह जो है अभी सारों की पेयरिंग अभी बाकी है, आहिस्ता आहिस्ता हम पेयरिंग कर रहे हैं। कुछ पेयरिंग ऐसे भी करते हैं कि कुछ बर्ड यहाँ छोड़ के एक बॉक्स लगा देते हैं और जो बॉक्स में जाता है उसको पकड़ लेते हैं, तो इसी तरह सिलसिला जो है वो चल रहा है। मैंने जितने पॉलियर्स थे वो सेल कर दिए थे, अभी ये कुछ मेल हैं जो एक्स्ट्रा हैं, तो चलिए ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं और ऊपर चल कर आपको दिखाते हैं कि ऊपर जो है वो क्या चल रहा है। फ्रेंड्स, तो अब ऊपर हम जो है वो आ चुके हैं, आते भाई जो है उन्होंने कैमरा पकड़ा, वो कैमरे के बैक साइड पर है, और मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता जाऊं कि कैसे जो है वो केजेस लग रहे हैं। और जो है बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ भाई, आपका बड़ी हेल्प की आपने, अभी जो है वो 50% काम कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले मैं जो है वो ग्रे का ओवरव्यू आपको दिखाता हूं कि ग्रे के केजेस जो हैं वो लग चुके हैं। कुछ केजेस थे मैंने थोड़े चेंज किए हैं, पहले किसी और तरह के थे, अभी किसी और तरह के, तो चलिए पहले ग्रे के कमरे में चलते हैं। आ जाए, अभी ये जो ग्रे के केजेस हैं ये मैं आपको दिखाता चलूं कि अभी पहले यहाँ पे किसी और तरह के केजेस थे, आपने देखे होंगे, अभी जो है वो इसलिए किए हैं कि ये डोर पूरा खुलेगा, बॉक्स ऐसे जो है वो पूरा अंदर चले जाएगा और उसके बाद ये डोर जो है वो बंद हो जाएगा, और जब भी मुझे, क्योंकि वो एल शेप का बॉक्स होता है ऐसे और यहाँ पे आगे की तरफ होता है, जब भी मुझे इंस्पेक्शन करनी होगी मुझे पूरा डोर खोल के बर्ड को डिस्टर्ब नहीं करना होगा, बल्कि ये मैं छोटा डोर खोलूँगा ऐसे, और यहाँ से जो एल शेप का बॉक्स होगा उसका मैं डोर ओपन करूँगा और ईजिली जो है वो इंस्पेक्शन कर लिया करूँगा। तो इसी तरह आते पर अगर आपको दिखाएंगे तो यहाँ पे ये सारे केजेस यहाँ पे भी और इस साइड पे भी ऐसे सारे केजेस लग चुके हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो हम बर्ड्स इनमें शिफ्ट कर देंगे, और शिफ्ट करने के एक महीने के बाद फिर हम इंशाल्लाह इनमें बॉक्सेस भी लगा देंगे और हम प्रॉपर अपना ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब जरा मेन शेड पे चलते हैं, वहाँ जा दिखाते हैं आप। चलिए अब शेड के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इधर हमने क्या चेंजेस किए हैं। आ जाए, इसमें जो है वो जावा के हमने बॉक्सेस लगा दिए हैं, सारे जावा को बॉक्सेस लगा दिए हैं, आज ही जो है हमने बॉक्स भी लगाए हैं, और जावा वाइट जावा की कलोनी है, वाइट जावा यहाँ शिफ्ट कर दिए, बॉक्स लगा दिए हैं, और दूसरी जो कलोनी है वो फोन जावा की है, फोन जावा जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फोन जावा है, यहाँ पे बॉक्सेस लगा दिए हैं, इंशाल्लाह इसको एक दो दिन में नेस्टिंग डालना शुरू कर देंगे और इंशाल्लाह जो है वो भीड़ आ जाएगी। इसके अलावा ये अभी थोड़े से केजेस लगाए हैं मैंने, ये केजेस जो है इसमें हमने जो है वो पार्टीशन भी लगाई है, इसमें अगर आते भाई दिखाएं तो हमने इसमें पार्टीशन लगा दी है, क्योंकि इधर का बर्ड इधर के बर्ड को नहीं देख सकता। यहाँ पे जो मेरा प्लान है, जो मेरे कॉर्नियर्स हैं, जो मेरे ये इस वक्त फ्लाइट में है सन कॉर्नियर्स, उनको मैं जो है वो शिफ्ट करने वाला हूँ, ताकि कॉर्नियर्स, क्योंकि अग्रेसिव बर्ड है, इंशाल्लाह कॉर्नियर्स पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा इसकी बेसिक्स पे, ताकि आप जो है वो जान सकें कि कॉर्नियर्स को रखने का तरीका क्या होता है, उनकी क्या ज़रूरियात है, उनकी हैबिट्स क्या है, इंशाल्लाह हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह सीज़न में। तो अभी जो है कॉर्नियर्स को हम अभी जो है वो थोड़े दिनों में शिफ्ट करेंगे, एक कॉर्नियर जो है वो दूसरे कॉर्नियर को नहीं देख पाया, क्योंकि ब्रीडिंग सीजन में ये थोड़ा अग्रेसिव होते हैं, तो इनके लिए जो है हमने ब्लाइंडनेस दी हुई है। तो ये चादरें जो है, ये आतिफ भाई ने मेरी बड़ी हेल्प की, आतिफ भाई आपका शुक्रिया। और उसके बाद जो है इस साइड पर अगर आप देखें तो इस साइड पर जितने भी स्मॉल कॉर्नियर्स थे वो पिछले साल मैंने नीचे लगाए थे, मुझे मज़ा नहीं आया और इस तादाद में भी ज़्यादा थे, तो इसीलिए केजेस जो है वो मैंने
छोटे केज में दोबारा डाल दिए क्योंकि मुझे इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था आउटडोर में। और इस वक्त ऊपर जितनी भी लाइन है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जितने भी पाइन एप्पल कॉर्नियर्स हैं, ऊपर जो ब्लू टर्कवाइज है, अंदर चल के दिखाते हैं आपको। इस वक्त जो है फ्लाइट में मैं आ चुका हूँ, रिंगनेक जो है अभी ओपन ही है, इनका भी टाइम नहीं आया। जितने भी एशियाटिक्स में जितने भी पैरट्स आते हैं रा रिंगनेक, इनका जो ब्रीडिंग सीजन होता है वो हम नवंबर में स्टार्ट करते हैं, अभी जो है केजेस लगाने की जरूरत नहीं है। ये फ्लाइट में है, जितने भी कॉर्नियर्स हैं वो जो है उनकी सिर्फ हमने पेयरिंग की है, अभी हमने बॉक्स नहीं लगाने। तो आते भाई अगर आपको दिखाएं तो ऊपर जो है ये सारे नीचे जितने भी आप देख रहे हैं इसमें पाइन एप्पल कॉर्नियर्स हैं और माशाल्लाह से रेड सेक्टर में है, जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही रेड। ये जो येलो साइड है ये भी रेड सेक्टर में मैंने लगाए हुए हैं। ऊपर जो जितनी भी पूरी लेन है वो ब्लू टर्कवाइज की है। उसके बाद ये क्रिम्सन बैलिड है, क्रिम्सन बैली का पेड़ लगाया हुआ है। इसके अलावा ये सांची है रेड सेक्टर में, इसके अलावा जो है ये फिर क्रिम्सन बैली है, क्रिम्सन बैली का पेड़ है और फिर सांची का पेड़ है। और इसी तरह ये तकरीबन इस साल मैं तकरीबन 50 प्लस पेड़ को मैं ब्रीड करवाऊंगा जो कि मेरे ब्रीड के लिए रेडी हैं। अभी इनकी पेयरिंग हो चुकी है, इंशाल्लाह एक महीने के बाद मैं इनको भी बॉक्सेस जो है वो इंस्टॉल करना शुरू कर दूंगा। अभी बॉक्स इसलिए इंस्टॉल नहीं किए कि अभी वेदर कुछ ठीक नहीं है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बड़ा अहम होता है कि आपने जो है वो बॉक्स कब लगाने हैं, किस वेदर में लगाने हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।